बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन पैरेललोग्राम लॉ। फॉर एनी टू वेक्टर्स या फॉर एनी टू एलिमेंट्स एक्स वाई ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी वी शो डैट एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टू टाइम्स एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम वाई नॉर्म का स्क्वायर। अब हमने ये प्रूव करना है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई के साथ इनर हो जाएगा। तो एक्स का एक्स प्लस वाई के साथ इनर अलग हो जाएगा, वाई का वाई एक्स प्लस वाई के साथ इनर अलग हो जाएगा। तो इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे यानी एक्स को एक्स प्लस वाई के इनर के साथ जब हम इंटरचेंज किया तो उधर कंजुगेट आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी जब हम y का x प्लस वाई के साथ इनर को इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर कंजुगेट आ जाएगा। तो ये फिर उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलग अलग हो जाएगा कि x का x के साथ इनर अलग और y का x के साथ इनर अलग और कंजुगेट भी एज इट इज़। x का y के साथ इनर अलग, y का y के साथ इनर अलग और कंजुगेट भी उसी तरीके से रहेगा। और फिर ये चार एलिमेंट हैं, चार कंपोनेंट, चार हमारे पास टर्म्स हैं तो हर किसी का कॉन्जुगेट अलग अलग हो गया। तो एक्स का एक्स के साथ जो इनर है उसका जो कॉन्जुगेट है वो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये एक्स एक्स है, जब इंटरचेंज होगा तब भी एक्स एक्स रहेगा लेकिन कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से वाई एक्स का जो हमारे पास इनर है उसका कॉन्जुगेट जो है जब हम इंटरचेंज करेंगे एक्स वाई तो कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाई एक्स हो जाएगा और ये वाई वाई हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स नॉर्म का स्क्वायर और ये एक्स वाई का इनर प्लस वाई एक्स का इनर प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर। सिमिलरली अब हम करते हैं x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, तो वो भी हम उसी तरीके से कंसिडर करेंगे। x माइनस वाई का x माइनस वाई के साथ इनर, तो हमारे पास ये हो जाएगा x का x माइनस वाई के साथ इनर अलग हो जाएगा और माइनस वाई का x माइनस वाई के साथ इनर अलग हो गया। तो वो जो माइनस वाई माइनस वन था वो माइनस बाहर आ गया तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे x को x माइनस वाई के साथ इनर के साथ, हम x माइनस वाई का x के साथ इनर जब लेंगे तो वो कंजुगेट आ जाएगा। इधर भी यहाँ ऐसे ही होगा, x माइनस वाई का जब y के साथ इनर हम लेंगे तो वो कंजुगेट आ जाएगा। फिर इसको सेपरेट करें, x का x के साथ इनर अलग हो जाएगा और माइनस वाई का x के साथ अलग होगा वो, तो वो माइनस बाहर आ गया, कंजुगेट एज इट इज़। फिर x का y के साथ इनर अलग, माइनस वाई का जब वाई के साथ इनर लेंगे तो वो उसका माइनस भी बाहर आ जाएगा और कॉन्जुगेट एज इट इज़ रहेगा। तो वो जो माइनस होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट आनी है, ये वाला माइनस और उसका माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट भी सेपरेट हो गए। तो एक्स का एक्स के साथ जो इनर होगा वो एक्स का एक्स के साथ इनर के बराबर ही होगा क्योंकि इंटरचेंज करने से कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा। ये वाई एक्स कॉन्जुगेट का जो इनर है वो हमारे पास एक्स वाई का इनर हो जाएगा, एक्स वाई का इनर का जो कॉन्जुगेट है वो वाई एक्स इनर के बराबर हो जाएगा और वाई वाई का इनर का कॉन्जुगेट जो है वो वाई वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास उसी तरीके से एक्स नॉर्म का स्क्वायर बनेगा, माइनस एक्स वाई का इनर माइनस वाई एक्स का इनर और प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर। तो हम जब ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो माइनस एक्स वाई का इनर और माइनस वाई एक्स का इनर है, इधर माइनस में है उधर प्लस में है, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स नॉर्म का स्क्वायर यानी टू टाइम हो गया और वाई नॉर्म का स्क्वायर और प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर वो भी टू टाइम हो गया। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया। तो x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर बराबर होता है टू टाइम x नॉर्म का स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।